वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे हॉटस्टार ओरिजिनल ऐप पर रिलीज हुए एक वेब सीरीज जिसका नाम है पाप। ये वेब सीरीज के बारे में मेरे दोस्त दिवाकर ने कहा था कि यार इस वेब सीरीज को आप देखो और मुझे बताओ कि यार ये वेब सीरीज कैसी है। तो मैं दिवाकर को यही बोलूंगा यार थैंक यू सो मच तुमने मुझे इस वेब सीरीज के बारे में बताया, क्योंकि ये वेब सीरीज सच में बहुत ही अच्छी है। पर्सनली मुझे कहीं पे भी ये वेब सीरीज बोर नहीं करी। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी वेब सीरीज के बारे में। इस वेब सीरीज का नाम है पाप और ये एक बंगाली वेब सीरीज है जो कि हिंदी में अवेलेबल है और इसको आप एमएक्स प्लेयर पर भी देख सकते हो। इस वेब सीरीज को आप सस्पेंस और थ्रिलर के जॉनर में डाल सकते हो क्योंकि ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा एंगेजिंग स्टोरी के साथ आती है। इस वेब सीरीज में अभी फिलहाल तो तकरीबन 5 ही एपिसोड्स है और हर एपिसोड के लगभग 27 और 20 मिनट के बीच में ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सीजन 1 है इस सीरीज का। तो इस सीरीज का नाम है पाप और अभी इस वेब सीरीज का सिर्फ सीजन 1 ही आया है और सीजन 1 की स्टोरी जहां पर एंड हुई है मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सीजन 2 का जो एक्साइटमेंट है वो मेरा पर्सनली तो बढ़ चुका है। और आई होप अगर आप लोग भी ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको भी ये वेब सीरीज अच्छी ही लगेगी। अगर मैं आपको कहानी की बात करूं तो कहानी शुरू होती कलकत्ता का एक शहर है जहां पर एक फैमिली है बॉयकुंतो फैमिली। उनके घर में 200 साल से दुर्गा पूजा की जो रस्म है वो होती है। बॉयकुंतो के 3 बेटे और 2 बेटियां है। तो बेसिकली जब भी ये दुर्गा पूजा होती है तो उसके दोनों बेटे आते हैं, लेकिन जो तीसरा बेटा छोटन वो इस दुर्गा पूजा में नहीं आता है क्योंकि उसके साथ इस घर में एक ऐसी घटना हुई थी बचपन में जिसकी वजह से वो उसके दिल में डर बैठ गया और वो सिर्फ इसी वजह से इनकी पूजा में क्या इनके साथ रहने भी कभी नहीं आता है। लेकिन फिर भी अपनी छोटी बहन के कहने पर वो इस साल पूजा में आता है। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि जिस दिन पूजा की पहली पूजा होने वाली उसी दिन वहां का जो पंडित होता है उसको कोई मर्डर कर देता है, कोई मार देता है। तो अब सवाल ये होता है कि वो यार उसको किसने मारा और छोटन के साथ ऐसा बचपन में क्या हुआ जिस वजह से वो इस घर में आने से डरता है। फिर कहानी जब थोड़ी आगे बढ़ती तो यहाँ पर एंट्री होती है पूजा बैनर्जी की। पूजा बैनर्जी ने यहाँ पे रोल प्ले किया पारोबिनी का। तो जब वो आती है तो यार जितने भी चौधरी फैमिली के लोग होते वो उसको देख के नफरत करते चिढ़ते। तो आपके दिल में सवाल है कि यार इसको देख के लोग इतना चिढ़ रहे क्यों, इतना नफरत क्यों, जबकि वो भी उनकी एक फैमिली का हिस्सा ही है। तो ये 3 सवाल आपके जहन में आएंगे और यही 3 सवाल आपको इस वेब सीरीज को देखने पर मजबूर करेंगे। और मैं आप लोगों से इतना ही बोल सकता हूँ कि इसके अलावा जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको इस वेब सीरीज में देखने मिलेंगे वो आपको दिल खुश कर देंगे और आपका सीजन 2 देखने का जो इंटरेस्ट है वो आपका बन जाएगा। और परफॉर्मेंस वाइज तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बोला है परफॉर्मेंस में कहीं पे भी आपको बोर नहीं होगा। सब लोग ने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस अच्छा ही दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा छोटन का किरदार निभा रहे उस बच्चे का जिसका परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली फील हुआ कि भाई हर उसने मेहनत किया है। और यूं तो मैं बंगाली वेब सीरीज इतना देखता नहीं, लेकिन ये वेब सीरीज जब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया तो उसके लिए मैंने ये वेब सीरीज देखा और मुझे पर्सनली एंगेजिंग स्टोरी लगी। 5 ही एपिसोड है, हर एपिसोड लगभग आधे घंटे के, तो कहीं पे भी आप बोर नहीं होते हो। सस्पेंस और थ्रिलर वाली वेब सीरीज देखना पसंद करते हो और इंडियन वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो हॉटस्टार वाली वेब सीरीज जरूर देखो। इस वेब सीरीज का नाम पाप, ये आपको हिंदी में एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी, फ्री में है। तो आप लोगों से अलविदा, मैं मिलूं आपसे कल किसी नए वीडियो।